फ्रेंड्स, बाइक की सर्विस हो गई है, फिलहाल वॉशिंग भी होने ही वाली है। अब चलते हैं अपने घर और करते हैं ट्रिप की तैयारी। सो वेलकम टू आवर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, होप ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे एक छोटा सा ट्रिप लैंसडाउन के लिए, और फाइनली हम निकल चुके हैं घर से। हमारे को घर से निकले हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद में, तो मिलते हैं आपसे आगे अपने फर्स्ट स्टॉप पे, जो कि होने वाला है 100 to 150 किलोमीटर के बाद। तो मिलते हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे। फाइनली हमने पहला स्टॉप ले लिया 150 किलोमीटर के बाद गजरोला में, और हम रुके हैं बीकानेर पे। हमने यहाँ खाना वाना सब खा लिया और थोड़ा प्लान वगैरह में चेंजेस वगैरह आ चुके हैं। अभी हम लोग फिलहाल जाएंगे जिम कॉर्बेट पे जाके स्टे करेंगे आज, और उसके बाद हम कल निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं जिम कॉर्बेट के लिए, और अब जहाँ तक प्लान है कि अब हमारा सेकंड स्टॉप होगा 250 किलोमीटर्स के बाद। तो मिलते हैं आगे। तो भाई लोग, नेक्स्ट स्टॉप हमने लिया है 257 किलोमीटर के बाद। यहाँ एक रेस्टोरेंट प्लस होटल है, उसमें रूम लिया है जो कि हमारे को पड़ा है 1200 रुपये का, एसी रूम। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है वो रूम जो हमने 1200 का लिया है। तो अभी सोते हैं, मिलते हैं सुबह आपसे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 11 और हम थोड़ा सा आज लेट उठे हैं, क्योंकि रात को ड्राइव काफ़ी लेट हो गया था। तो 11:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे थे, और अब सुबह के 11 बजे उठे हैं। अब नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और अब नीचे चल के ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए ब्रेकफास्ट करके, और काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था यहाँ का, बहुत अच्छा लगा। अब रास्ते में जिम कॉर्बेट पार्क आएगा, तो अगर वो पार्क ओपन होगा तो अंदर जाएंगे हम लोग और आपको उसका व्यू दिखाएंगे कैसा है, और अगर वो क्लोज हुआ तो आगे नैनीताल के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लान में थोड़ा सा और चेंज हो गया। अब हम पहले जाएंगे भीमताल लेक, वहाँ घूमेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे फिर नैनीताल। तो आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा देख सकते हो यहाँ खूब बहुत तेज़ अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, और हम अभी ये शेड के नीचे रुक गए हैं हम सब लोग, और बैग वैग गीले हो चुके हैं और हम लोग भी गीले हो चुके हैं। अभी हम रुके हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पर, वहाँ से रेस्टोरेंट से 15 किलोमीटर। देखते हैं कब तक बारिश रुकती है, उसके बाद बारिश धीरे होते ही निकलेंगे हम लोग यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ का व्यू देखिए कितना बढ़िया है, और हम लोग यहाँ अभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए रुके थे, अब चल रहे हैं आगे।
एंड से हम पहुंच चुके हैं भीमताल लेक, और अभी फ्रंट साइड में जाके आपको व्यू दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं लेक के फ्रंट साइड में, और देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, तो चलते हैं यहाँ से और अपने लिए कैंप ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और इस वजह से हमें कैंप वैम्प नहीं मिल रहा था और रूम भी नहीं मिल रहा था। बट भीमताल लेक से 2 किलोमीटर हम वापसी आए हैं पहले, तो हमारे को एक रूम मिल गया है और अभी वहीं रुक रहे हैं, और कुछ देर के बाद डिनर के लिए जाएंगे, देन सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर सुबह नैनीताल के लिए निकलेंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 10, सब लोग उठ चुके हैं और रेडी हो चुके हैं आगे निकलने के लिए, और ये है हमारा रूम। देखिए यहाँ हम रात को रुके थे। ये देखिए, ये अंकल की शॉप है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं अंकल, और इन्होंने रूम्स भी अंदर ही बना रखे हैं। और बाहर का मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, रात भर बारिश हुई है और सुबह भी काफ़ी अच्छा है मौसम। तो चलिए निकलते हैं नैनीताल लेक के लिए और पहुँच के मिलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल लेक, और आप लोग ये व्यू देखिए कितना बढ़िया व्यू है। ये लेक वैसे बहुत बड़ी है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग अब निकलने वाले हैं घर के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ का व्यू देखिए, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो गया है। हम लोग बादलों में चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, गर्मी का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। और देखो ये दोपहर का टाइम है और यहाँ ऐसे लग रहा है कि रात होने वाली है। चलिए निकलते हैं आगे। बढ़िया व्यू है, पूरे पहाड़ की चोटियां तक बादलों से कवर हो रखी हैं। यही है असली मज़ा पहाड़ों का, ऐसे ऐसे व्यूज़ मिलते हैं देखने को। तो हम दोबारा से चल चुके हैं, अब हम स्टॉप लेने वाले हैं हल्द्वानी में, वहाँ रुकेंगे, वहाँ कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे। शिव ढाबा पे अभी हमने स्टॉप लिए 210 किलोमीटर के बाद। यहाँ थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे दोबारा घर के लिए। तो हमने स्नैक्स वगैरह खाए हैं यहाँ पर, और स्नैक्स खा के निकल चुके हैं घर के लिए, अब घर पहुँच के ही आपसे मिलेंगे।
रात को 1 बज गए थे हमारे को घर पहुँचते पहुँचते, और इतना थक गया था तो वीडियो बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैं रात को सो गया था और अभी उठाओ तो यहीं वीडियो एडिट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।